गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, टुडे वी विल रीड पोएम लेसन 3 टाइगर। लेट्स बिगिन। ही स्टक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट। एक टाइगर जो पिंजरे में बंद है, ये उसके लिए कहा गया है। ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, कि वो अपनी चमकीली धारियों में घात लगाए बैठा है, यानी अपने शिकार की तलाश में बैठा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजरे में कुछ कदमों पर, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रैग, अपने पिंजरे में कुछ कदमों पर मखमल की चुपचाप गद्दी पर अपने शांत में बैठा हुआ है, कि वो उसी पिंजरे में थोड़ा दूर तक चलता है और फिर वापस वहीं बैठ जाता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वह छाया में घात लगाता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास से फिसलता हुआ। नियर द वाटर होल, पानी के छेद के पास जहाँ पर पानी निकलता है। वेयर प्लम्स डियर पास, जहाँ से एक मोटा हिरन निकलता है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउस, उसे जंगल के कगार पर बने घरों के आसपास गरजते घूमना चाहिए। एट द जंगल्स एज, बेयरलिंग हिज वाइट फैंग्स ऑफ हिज क्लॉज, जंगल के किनारे पे जो लोग रहते हैं वहाँ पर उसको धारते रहना चाहिए ताकि लोग उससे डरे रहें। एट द जंग बेयरलिंग हिज वाइट फंग्स हिज क्रॉस, अपने नुकीले दांत अपने पंजों को दिखाता हुआ। टेराइजिंग इन हिज विलेज, गांव वालों को डराता है अपनी आवाज़ से, अपने पंजों से। कभी कहता है कि उसको वहीं पर ही घूमते रहना चाहिए जिससे कि गाँव वाले उससे डरे रहें और वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, striking strike in his length of his cage, ignoring visitor. लेकिन but he is locked in a concrete cell, लेकिन वह अब एक कंक्रीट, यानी जैसे ये हमारा घर बना है कंक्रीट पत्थर ईट सीमेंट से, यानी पक्की सी एक कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ ब्लाइंड बार्स, उसकी ताकत अब सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजरे की लंबाई का पीछा करता हुआ। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को अनदेखा करता है। His herds, the last voice at night, वह रात में अंतिम आवाज़ सुनता है। the patrolling cars, जो रोड पर चलती हुई, सड़क पर चलती हुई गाड़ियों की। and stares with his brilliant eyes, और अपनी शानदार आँखों से देखता है। at the brilliant star, शानदार सितारों को, मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकता है, वो अब एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है और वो वहीं बैठा बैठा ही घूम रहा है, अपनी परछाई को फॉलो कर रहा है। उसको लग रहा है कि कोई ना कोई अंदर आएगा, लेकिन वो जब दहाड़ता था तो अपने गांव के किनारे पर दहाड़ता था और लोग उससे डर जाया करते थे, लेकिन अब वो अपनी चमकीली आँखों से और सितारों से सिर्फ पिंजरे को ही देख पा रहा है और अपनी ही अंतिम आवाज़ सुन पा रहा है। I hope you all understand this lesson. Bye. Have a nice day.